लाइव टीवी एक्सप्रेस हिंदी न्यूज चैनल जो रखता है राज और समाज की हर खबर पर अपनी कड़ी नजर। देश विदेश की खबरों के साथ ही आपके समाज और आसपास हो रही घटनाओं से भी हम कराते हैं आपको रूबरू। तो आइए चलते हैं कुछ खबरों की ओर, जिसकी पड़ताल सिर्फ और सिर्फ लाइव टीवी एक्सप्रेस की टीम करती है। आज की कुछ खास खबरें आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। निजामाबाद थाना क्षेत्र के निजामुद्दीनपुर के पास रेलवे ट्रैक पर एक मजदूर सुबह करीब 10 बजे की कैफियत ट्रेन से कट जाने की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक धीवेद्र यादव, जिसकी उम्र 50 वर्ष थी, वह मतलूपुर थाना दीदारगंज का रहने वाला था। वह मजदूरी करता था और वह साइकिल से अपने साथ झोले में भोजन लेकर निजामुद्दीनपुर के पास रेलवे ट्रैक पर पहुंचा, जहां उसने साइकिल खड़ी करके रेलवे ट्रैक के पास उसकी कटी हुई लाश मिली, क्योंकि उसी समय विपरीत दिशा से आ रही कैफियत एक्सप्रेस की चपेट में आ जाने से ही वह कट गया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। इसकी सूचना ग्रामीणों ने चौकी प्रभारी फरिया को दी। मौके पर चौकी प्रभारी नवल किशोर अपनी टीम के साथ पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शिनाख्त के लिए परिवार वाले मौके पर पहुंचे। उन्होंने धीवेंद्र यादव के नाम से शिनाख्त की। मृतक पैसे से मजदूरी करता था। मृतक पेशे से मजदूरी करता था। वह रेलवे ट्रैक पर सो गया या फिर क्या कर रहा था, इसकी किसी को भी जानकारी नहीं है। आजमगढ़ से वरिष्ठ संवाददाता अमरजीत यादव की रिपोर्ट। खबरें, हर खबर को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें लाइव टीवी एक्सप्रेस।